मेजी और कटारिया की लड़ाई में शामिल हो चुके हैं अल्विश यादव। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वेल दोस्तों, अब बात करते हैं क्या है पूरा का पूरा माजरा और इनके लड़ाई के बीच क्या बोला है अल्विश यादव ने। मैं आपको प्रॉपर अपडेट देने वाला हूँ, सो वीडियो में एंड तक बने रहना। सो बात कर लेते हैं क्या है पूरा की पूरी अपडेट और क्या है पूरा का पूरा माजरा। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी कल ही फाइट हुआ था नेजी और कटारिया के बीच। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि जो कटारिया होते हैं वो अपनी ओपिनियन देने की कोशिश कर रहे होते हैं नेजी को, और नेजी जो होता है वो बोल देता है कि भाई देख, मेरे को तेरी ओपिनियन की पड़ी नहीं है, मेरे को तेरा ओपिनियन नहीं चाहिए। जी हाँ, और फाइनली इन दोनों में बहस स्टार्ट हो जाता है इसी बीच, और तू मैं स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, वेल जो कटारिया होता है नेजी को बोल देता है कि भाई तेरे को एक ही चाटा में सेट कर दूंगा, तो वहीं तरफ जो वो होता है यानी कि नेजी होता है वो भी कटारिया को बोल देता है कि भाई मैं तेरे को एक चाटा में सेट कर दूंगा। जी हाँ, और कुछ जो नेजी होते हैं गांव वाली बातें भी बोल देता है नेजी कटारिया को। जी हाँ, और वहीं तरफ आपको देखने को मिलेगा कि इसी चीज को रिएक्ट करते हुए अल्विश यादव अपने ट्विटर पे कुछ पोस्ट करते हैं। जी हाँ, और वो बोलते हैं कि गांव का मतलब अगर भैंस चराना होता है तो नेजी भाई आप आओ, आपका चारा खिलाते हैं। जी हाँ, यानी कि जो अल्विश यादव वो बोलते हैं कि गांव का मतलब अगर भैंस चराना होता है तो आप आओ गांव में, हम आपको चारा खिलाते हैं। जी हाँ, यानी कि जो अल्विश यादव है वो नेजी को भैंस समझ रहे हैं। वेल, अब देखते हैं आगे क्या होता है और नेजी की टीम क्या बोलने वाली है अल्विश यादव को। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आगे, तो कॉमेंट करके बता सकते हो। और इसमें अल्विश यादव ने इंटरफेयर करके वो सही किया या फिर गलत, ये भी आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। ऐसी बिग बॉस OTT सीजन 3 के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब झुकना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय।